अफसर शादी कर ली। शादी करने के बाद दुबार हो जाता है। आज जमाना कौन जुम्मा हो गया? तीसरा जुम्मा हो गया। और सब बच्चों ने शायरी कर ली है और इस वक्त शायरी खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रह चुके हैं। हाँ 2 मिनट रह गए। 6 मिनट रहते हैं। चलो 6 मिनट 5-10 पे खत्म है। सर मान रहे वॉशरूम में ब्रश कर रहे हैं आपने। ओके जल्दी जल्दी पानी वानी पी के खत्म करो, वाइंड अप करो। मोहम्मद अली भी शहरी में उठ जाते हैं हमारे साथ। मार शहरी कर ली। ओके ओके क्या टाइम हो गया सर? हो गया जान होने वाली है? होने वाली है वो ही है। अंधेरा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सी रोशनी शुरू हो गई है वहाँ पर। ये रोशनी शुरू हो गई, मजे से ऐलान हो गया कि खाना छोड़ दे ना। हाँ वो ये कह रहे हैं खाना पीना सब छोड़ दे। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको रमज़ान का तीसरा जुम्मा बहुत मुबारक हो। इस वक्त टीवी में खबर चल रही है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है और आप नियत मान लीजिए फजर की अजानें शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने अपने तीनों बच्चों को रोज़ा रखवाने के लिए सहरी करवा दी है, तो अब आपसे जुम्मे की नमाज के टाइम में मुलाकात होगी। ओके वेलकम बैक। सो आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं अपनी ड्यूटी पर जा रही हूँ, बच्चों को मैंने आज ऑफ करवा दी है क्योंकि मैंने उनका रखवाया है रोज़ा और जुम्मे का रोज़ा बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने ऑफ करवा लिया। तो तीनों बच्चे मेरे सो रहे हैं और मैं अपनी ड्यूटी पे जा रही हूँ। चलें। मैं अपने रिक्शे का वेट कर रही हूँ और रिक्शे वाला अभी तक आया नहीं है और ये मेरा रिक्शे वाला भी आ गया, तो मैं जा रही हूँ। ओके तो स्कूल में मैं हूँ इस वक्त, आप नज़र आ रहा होगा मैं स्कूल में हूँ और यहाँ पर अलग के बच्चे एक्टिविटी हो रही है। तो फ्राइडे को ये लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, लेट्स सी। यहाँ पर हो रही है व्हाट डज अ प्लांट मीन। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम। तो इधर जो है एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है और मेरा अभी फ्री पीरियड है। सो फ्री पीरियड के बाद मैं जब तक इंजॉय कर रही हूँ बच्चों के साथ एक्टिविटी को। सो एक बजे छुट्टी होगी, फिर घर जाके देखते हैं क्या करना है आज। तो स्कूल से मैं घर आ गई हूँ और अब मैं घर के अंदर जा रही हूँ। घर के अंदर जा रही हूँ, क्या हो रहा है घर के अंदर, रेडी है मस्जिद जाने के लिए। बाबा ने मोहम्मद अली को और अम्मा को रेडी कर दिया है और इस वक्त 1 बजने वाला है। मेरा सूट है उसके साथ मैं पहनूंगी। चलो आप लोग भी नमाज के लिए रेडी हो जाओ। मोहम्मद अली मस्जिद जाने वाले हैं तो मैं जल्दी से इनको पराठा खिला दूँ जब तक इनके बादल जो है वो रेडी हो रहे हैं। बाकी सब पे तो रोजा है। आपका रोजा नहीं है? रोजा है आपका? कौन सा वाला रोजा है आपका? खाने का? खाने का रोजा रखा हुआ है आपने? नमाज पढ़ता कैसी बात करती कर रहे हैं अम्मा?
अब सभी रेडी हो गई हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ ली आप? अलहम्दुलिल्लाह हम सब ने जुम्मे की नमाज पढ़ ली है, बच्चे मस्जिद से आ गए हैं और आज हम जुम्मे को, रमज़ान के हर जुम्मे को हम नया सूट पहनते हैं। तो हफ्सा ने, जवेरिया ने, मोहम्मद अली ने, अम्मार ने नए नए ड्रेसेस पहने हैं। अफ्तार में आज मैं बिरयानी बना रही हूँ बच्चों के लिए। ये चावल ये देखिए थोड़ा बॉयल हो रहे हैं, जब एक कली हो जाएगी तो हम निकाल लेंगे। जबरदस्ती बिरयानी तैयार होने वाली है। ये जो है चावल थोड़े बॉयल बन गए, मैंने ब्राउन ग्लास डाल दी इसके अंदर और थोड़ा सा इसके अंदर हम ऐड बिरयानी के साथ फ्रूट चाट भी बनाई है मैंने, अब साथ और छोले भी बनाए, छोले और जूस भी बनाया है और चटनी भी बनाई है, चटनी भी बनाया है। चलो मैंने समोसे हो जाए, बिरयानी हमारे तैयार हो गई है। ये बाजरे के रोल हैं और आलू के समोसे हैं, ये फ्राई हो जाएंगे। तो चिकन रोल, वन बाइट चिकन रोल जो है वो फ्राई करेंगे। वन बाइट चिकन रोल है ये फ्राई कर दूँगी। चलो 10 मिनट रह गए हमारे, अम्मार को कोई होश नहीं है। अम्मार बस मैं लगा उन्हें शाबाश शरीर उड़ जा, इसके पास देखो क्या है। चलो तो फ्रेंड्स ये जो है बहाना हम दाई ने लेके जा रहे हैं और जी हमने लाइन पर बुराई तो बहुत कर दी है। क्या हम कितना ही कोई ज़बरदस्त बिरयानी रेडी हो चुकी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और अब्दुल अल्लाह। चलो 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 बच्चों रोजे का टाइम हो गया है। अफ्तार में इस वक्त सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं हमारे पास और अम्मार भी बैठ गया है। अच्छा तो रोज़ा कैसा रहा आज का आप लोगों का? अच्छा रहा, पता नहीं चला है जब भैया क्या
प्यास लग रही है। रोजे में सबसे ज्यादा प्यास ही लगती है ना आपसा, भूख इतनी लगती है जितनी प्यास लगती है कि मम्मा जी। मोहम्मद अली, हाँ मोहम्मद अली, अभी मैं बाहर मार्केट भी गई थी, थोड़ा सा काम करके आई हूँ जल्दी से, उसके बाद अब फिर मैंने खाना वाना बना लिया। नाराज हो चुका मोहम्मद अली, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है क्योंकि उसके अंदर मैं हफ्ता और अम्मा के इंशाल्लाह आमीन करूँगी और उस आमीन की प्रिपरेशन आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आज हम थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे डेकोरेशन वगैरह, तो अफ्तार के बाद हम ये काम करेंगे। चलिए हम लोगों से अफ्तार में मिलते हैं। कैसी लगी है बिरयानी? अच्छी है। कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है। हमारी बिरयानी खा ली? तो तुमसे भी सवाल होगा। अब बात करते हैं कोई चने चटनी के। गाइस मैं जा रहा हूं चाय पीने और बिरयानी खाने के। उन लोगों ने बहुत सारे बनाए हैं, हमने बहुत सारे। ठीक है मैं आपका नाम जाओ, हम नानी के जा रहे हैं। ओके ओके ओके। अभी हम लोग अपनी नानी के घर आ चुके हैं, तो अभी हम लोग बहुत सारे डेकोरेशन का सामान लेकर आए हैं हम लोग, और नानी भी गए। तो हम लोग आ चुके हैं अब सर, हम जवेरिया माँ की नानी के घर, नानी घर करीबी है, बहुत सारा डिस्टेंस पर, तो चलिए हम लोग चलते हैं। दरवाजा कोई खोल ले रहा है, खैरियत है? सब है घर में कि नहीं है? आप सब पता नहीं वो भी सारा सामान। तो हफ्सा अपनी नानी के घर आ गई है, डेकोरेशन का सामान सारा हाथ में इनके। हमारा घर सामने ही है, बाय वॉक हम आ जाते हैं, और नानी ने दरवाजा खोल दिया है। रो रही है, बहुत शदीद रो रही है उसका। यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है, जवेरिया जो है वो सर्किल कट कर रही है, ये देखिए, और सामने जो है उसको परेशान कर रही है। तो हफ्ते की अगले हफ्ते की होने वाली आमीन की तैयारियाँ जोरों शोर से जारी हैं। आज अपना ब्लॉग ये भी ख़त्म करते हैं। जुम्मा बहुत अच्छा सा गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा है ना। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, पर हमारे लिए क्या होता है, हमने आज ग्लिटर काम किया था, उसने भूल वाले ग्लिटर वेस्ट किए, लेकिन हमें आज मज़ा आया बहुत, और आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो फाइनल लुक तो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, फाइनल लुक हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, जो होगा मेरा मतलब पार्मीन का, मतलब पार्ट 2 होगा हमारे इस वीडियो का पार्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।